नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो चलिए तो आज मैं आपको मैदे से बनी एक बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी मिठाई बना के दिखाने वाली हूँ। तो यकीन मानिए, आपने मैदे से ऐसी स्वादिष्ट और इस तरह से मिठाई कभी नहीं बनाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका डो बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच बारीक सूजी डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच लाल फूड कलर डालना है। तो मैंने ये रेसिपी बनाने के लिए लाल फूड कलर का इस्तेमाल किया है। तो आप अलग अलग कलर में भी ये रेसिपी बना सकते हो। फिर उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच घी डालना है। तो मैंने यहाँ ठंडे घी का इस्तेमाल किया है। फिर हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद अभी हमें इस डो में पानी डाल के इस मैदे को गूंद लेना है। तो मैंने यहाँ अभी मैदे को पूरी तरह से गूंद लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। तो तब तक अभी हम इस रेसिपी के लिए चाशनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पे बर्तन रख दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें 1 कप चीनी डालनी है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें 2 कप पानी डालना है। तो मैंने यहाँ 1 कप चीनी और 2 कप पानी लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इस चाशनी को अच्छी तरह से उबाल लेना है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें इलायची डालनी है। तो मैंने यहाँ इलायची के छिलके डाले हैं। तो आप इसमें पूरी इलायची भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें ये चाशनी को अच्छी तरह से उबालना है। तो हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो अभी यहाँ ये चाशनी भी अच्छी तरह से उबल चुकी है और ये गाढ़ी बन चुकी है और यहाँ मैदा भी अभी अच्छी तरह से भीग चुका है। फिर उसके बाद अभी हमें इस मैदे के 2 गोले बनाने हैं और इन गोलों को हमें बेलना है। तो हमें इन्हें ज़्यादा जाड़ा नहीं बेलना है, पतला ही इन्हें बेलना है। तो यहाँ मैंने मैदे की गोली को पूरी तरह से बेल लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इसके गोल गोल आकार में पीसेस कट करने हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ एक बाउल लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसके गोल गोल आकार में पीसेस कट करने हैं। तो आप इसे छोटे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें इनके गुलाब के फूल बनाने हैं। तो हमें एक के ऊपर एक इन्हें इस तरह से रखना है। तो मैंने यहाँ 5 रखे हैं, तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें एक तरफ से इसे फोल्ड करना है। तो हमें पूरी तरह से इन्हें ऐसे फोल्ड करना है। फिर हमें एक चाकू से इसके ऐसे 2 पीसेस करने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से, और इसके हमें ऐसे गुलाब के फूल बना लेने हैं। तो हमें इसी तरह ही ये सारे गुलाब के फूल बना लेने हैं। तो यहाँ मैंने सारे गुलाब के फूल बना लिए हैं। फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने गैस पर तेल रख दिया है। फिर तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें ये सारे गुलाब के फूल डालने हैं। तो आप ये गुलाब के फूल अलग अलग कलर में भी बना सकते हो। तो हमें इन गुलाब के फूलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए। तो अभी यहाँ ये सारे फूल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। फिर हमें इन गुलाब के फूलों को चीनी की चाशनी में डालने हैं। तो चाशनी भी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। तो हमें इन गुलाब के फूलों को इस चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी यहाँ ये गुलाब के फूल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो हमें इन्हें 1-5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद अभी हमें इस स्वादिष्ट मिठाई को सर्व करना है।
तो पहले हमें ये गुलाब के फूल रखने हैं, फिर उसके बाद अभी हमें इसके ऊपर ये चाशनी डालनी है। और आखिर में हमें इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के इन्हें सर्व करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फ्रेंड वॉचिंग माई वीडियो।